घर में बनाएं पौष्टिक शिशु आहार। 6 महीने से जब हम बच्चे को ठोस चीज़ें देने शुरू कर देते हैं, सैलड देना शुरू कर देते हैं, तो सभी सबसे पहले सेरेलेक को स्टार्ट कर देते हैं। और सेरेलेक जैसी चीज़ें जो होती हैं उसमें इतने केमिकल डाले होते हैं ताकि वो वैसे की वैसी उसकी फ्रेगनेंस रहे, वैसे का वैसा टेस्ट रहे, कि वो बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल है, ये हम जानते हैं। लेकिन जब भी बच्चा 6 महीने का हो जाता है हम सेरेलेक ज़रूर लेकर आते हैं। लेकिन आज जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ वो बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसको बनाना कैसे है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पुराने चावल लेने हैं। अगर पुराने मिल जाएं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप नॉर्मली चावल ले लीजिए 1 कटोरी, और उसके अंदर 2 चम्मच मूँग, हरी मूँग होती है ना, वो डाल दीजिए 2 चम्मच। अभी किसी को मिक्स नहीं करिएगा, चावल है जो वो आपके पास 1 कटोरी है, 2 चम्मच आपके पास मूंग है, 2 चम्मच ही आपके पास गेहूं है। ये 1 हफ्ते का तैयार हो रहा है चीज़ बच्चे के लिए, 1 हफ्ते से ज़्यादा आप इसको स्टोर करके भी नहीं रख सकते। अब इन सभी चीज़ों को अलग अलग रोस्ट कर लीजिए। कारण इसके पीछे ये है कि अगर आप इन तीनों चीज़ों को एक साथ रोस्ट करेंगे तो जो चावल होंगे वो बिल्कुल नीचे रह जाएंगे और ज़्यादा काले हो जाएंगे, और जो कनक है यानी कि गेहूं है वो बिल्कुल कम रह जाएगा, मूंगी बीच में हो जाएगी। इसीलिए सबको अलग अलग रोस्ट कीजिएगा ताकि बहुत अच्छे से सिक जाए। इनको सेकने में कम से कम आपको 15 मिनट लगेंगे क्योंकि आपको सिम फ्लेम पर इनको सेकना है। इनके बीच में से धुआं नहीं निकालना यानी काला बिल्कुल नहीं करना, रोस्ट करना है, पकाना है, लेकिन इसमें कोई घी कोई पानी मिक्स नहीं करें। उसके बाद इन तीनों को अलग अलग भूनने के बाद, रोस्ट करने के बाद, एक साथ मिक्सी में इनको तैयार कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए। अब इसको 6 महीने के बच्चे को स्टार्ट करना है। आप इसके अंदर एक बार तो जब बच्चे को हम 6 महीने में देना शुरू करते हैं तो कोई चीनी कोई नमक मिक्स नहीं करते, हाँ लेकिन इसमें घी ज़रूर मिक्स कीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, घी ज़रूर मिक्स कीजिएगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसके साथ इसमें बॉयल की हुई सब्जियाँ आप मिक्स कर सकते हैं और नमक मिक्स कर सकते हैं। किसी टाइम आप नमक मिक्स कर दीजिए तो किसी टाइम आप इसमें चीनी मिक्स कर दीजिए, ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। किसी टाइम ये मीठी खिचड़ी की तरह बनेगा तो, और कभी कभी ये दलिये की तरह नमकीन होगा। इस तरह आप बच्चे को देना शुरू कीजिए। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जब आप बच्चे को 6 महीने के बच्चे को देना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा पतला बनाइएगा, और जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा मिक्स कर दीजिए और फिर गाढ़ा तैयार कीजिए। इसे कैसे बनाएं, तो पानी जैसे बॉयल हो रहा होता है तो उसमें आप 1/2 चम्मच अगर इसको मिक्स कर देंगे तो हल्के हल्के बॉयल होते होते ये बनेगा। इसको पकने में भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाँ, सेरेलेक जैसे हम कहीं आते जाते इसको लेके नहीं जा सकते, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली तो हम घर पे रहते हैं तो घर पे बच्चे को ज़रूर खिलाएं। दिन में 2 टाइम खिलाएं, जैसे हम 2 टाइम रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, आपके बच्चे के काम की है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।